हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर विकास कुमार साहू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट। टॉपिक इज रिलेटेड टू द डिप्लोमा सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट है DSBM, ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुकिंग टू द what is the scope of the pharmacy completing. First of all, we are discuss the career guideline for the pharmacy. Opportunities to drug storage or chemist, it is the shop which contain the different type of dosage form, and it is a sale or dispensing of the pharmaceutical product with the help of the pharmacist. Now we will discuss about the business activity which is completed by the industry and commerce both terms. बिजनेस एक्टिविटी के बारे में देखेंगे। इन द स्टोरेज, ड्रग स्टोरेज, जिसमें इंडस्ट्री और कॉमर्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस विद द इंडस्ट्री। द टर्म इंडस्ट्री रिफर टू दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस और फेब्रिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। द गुड आर कॉल्ड द कस्टमर गुड्स इफ यूज बाय फाइनल कंज्यूमर एंड कैपिटल or producer goods if used in the production of other goods. सबसे पहले हम इंडस्ट्री की बात करते हैं। इंडस्ट्री का मतलब यह होता है कि कोई भी प्रोडक्ट को बनाना। हम फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है, इसलिए इंडस्ट्री का मायने यह रहेगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म बनाते हैं जो कि लास्ट कस्टमर, जो कि उसको यूज़ करता है कंज्यूमर, उसके तक पहुंचता है, उसको हम कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। और जो कैपिटल या फिर प्रोड्यूसर गुड्स वह होता है जो कि प्रोडक्शन के द्वारा जो गुड्स यूज़ किया जाता है, ये सब इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द गुड्स प्रोड्यूस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनरिक इंडस्ट्री, व्हाट इज द जेनरिक, जेनेटिक इंडस्ट्री, मतलब जेनेटिकली हाउ टू विल बिल्डअप, किस तरीके से हम जेनेटिकली बिल्डअप करते हैं कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में या फिर कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए, उसका जेनेटिक को ही आधार मान के हम उसका प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी में। तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है, यह भी हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत मायने रखता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री विच प्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग सर्टेन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल और पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम देयर सेल्स। एग्जाम्पल है ब्रीडिंग फार्म, पोल्ट्री फार्म एंड अदर स्पीसीज विच मल्टीप्लाइंग एनिमल और प्लांट्स। सेकेंडरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन और ड्राइंग आउट द प्रोडक्ट फ्रॉम द नेचुरल सोर्स सच एस सोयल, एयर एंड वाटर। एग्जाम्पल है ऑयल एक्सप्लोरेशन, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड विद द फार्मास्यूटिकल हेल्प वी विल ऑल्सो एक्सट्रैक्ट द एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिफरेंट डोजेस फॉर्म। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं जिसमें कोई भी नेचुरल जो पेड़ पौधे हैं या फिर मिट्टी है या फिर हवा है, इससे हम एक्सट्रैक्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं उसको निकाल कर उसका हम
कोई भी फार्मास्यूटिकल में डोजेस फॉर्म बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज इंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड बिल्डिंग कैनल ब्रिज एंड डैम्स दे आर इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स वेयर इन द रॉ मटेरियल और द सेमी मैन्युफैक्चर गुड्स आर कंसर्न इन टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जस्ट लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इन टू द एनालिटिकल इंडस्ट्रीज एंड सिंथेसिस एनालिटिकल इंडस्ट्रीज एंड सिंथेसिस इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे हम अगला देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो कि बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा भाग है जो कि उसके अंतर्गत आते हैं, है ना। इसमें जो भी रॉ मटेरियल हैं उसका यूज़ करके ये तो हम गुड्स बनाते हैं या सेमी मैन्युफैक्चर गुड्स बनाते हैं। ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज और सिंथेसिस इंडस्ट्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द एनालिटिकल इंडस्ट्रीज इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट बाय एनालाइजिंग एंड सेपरेटिंग द डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द सेम मटेरियल। एग्जाम्पल है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, रिफाइनरी इंडस्ट्रीज। एनालिटिकल के अंतर्गत हम किसी भी प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं और कोई भी जो एलिमेंट्स रहता है उसको सेपरेट करते हैं और उसको एक सूटेबल डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें एग्जांपल है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ द क्रूड ड्रग ऑयल। दूसरा है सिंथेसिस इंडस्ट्रीज वेयर द टू आर मोर देन टू मटेरियल आर मिक्स टूगेदर इन ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट। मतलब दो या दो से अधिक जो केमिकल्स होते हैं उसको मिलाने से एक नया केमिकल बनता है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम आता है। फॉर द डिफरेंट डोजेस फॉर्म उसका अलग अलग डोजेस फॉर्म बना सकते हैं, जैसे लिक्विड डोजेस फॉर्म में सिरप्स है, ऑइंटमेंट, सेमी सॉलिड में क्रीम, सॉलिड में टेबलेट कैप्सूल, गैसियस में एरोसोल्स हैं, इनहेलर वगैरह, ये सब का मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है। और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे वेरियस केमिकल्स, ड्रग्स, सोप्स, ये सब इटीसी हैं। अब यहाँ पे हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बारे में भी पढ़ते हैं, विच इज़ रॉ मटेरियल आर द प्रोसेस थ्रू द डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट। फॉर द एग्जाम्पल ड्रग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, पेपर शुगर इंडस्ट्रीज। मतलब यह इंडस्ट्रीज वह होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग का आगे भाग है। इसमें यह स्टेज कहलाता है जिसमें फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम आते हैं। फोर्थ वन इज़ ए असेंबलिंग इंडस्ट्री वेयर द पार्ट और कंपाउंड्स आर असेंबल टू मेक ए यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो जितने भी असेंबल करते हैं, जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको असेंबल करते हैं, कंपोनेंट्स को असेंबल करते हैं और एक बाहर से रॉ मटेरियल लाते हैं सेमी प्रोडक्ट्स, उसको असेंबल करके एक सूटेबल डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदर्स इंडस्ट्रीज भी हैं जैसे कार हैं, स्कूटर हैं, इसके पार्ट को लेके हम एक जगह उसको बना के हम उसको सेल कर सकते हैं। अब हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो दूसरे देखते हैं हम बेस्ड ऑन साइज एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब उसके आकार के साइज के हिसाब से इंडस्ट्री कितने प्रकार का होता है। पहला है लाइट इंडस्ट्री, दोज इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड हैव ए शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोडक्शन साइकिल। लाइक इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द कोलेप्सिबल ट्यूब्स, रबर ट्यूब एंड टिन कंटेनर्स। साइज के हिसाब से या आकार के हिसाब से देखा जाए तो एक लाइट इंडस्ट्री होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें छोटा कैपिटल होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, जिसमें हम कोलेप्सिबल ट्यूब्स जो कि क्रीम्स वगैरह रखने के लिए बनाते हैं, रबर ट्यूब्स हैं एंड टिन कंटेनर्स।
Heavy industries, those industries are a big capital investment and also involved in the longer production of time. मतलब बहुत ही समय के लिए होता है, यह बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री होता है ना, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जस्ट लाइक सन, सिप्ला, एटीसी. नाउ वी विल लुकिंग द बेस्ड ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से विद दो पार्ट में डिवाइडेड है. लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जिसमें इट इज़ द इन्वॉल्व द हायर कैपिटल, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर एंड मशीनरी एंड टूल्स. तो हम कैपिटल पूंजी के हिसाब से हम देखते हैं जो इंडस्ट्री है वो कितने प्रकार के हैं. पहला है लार्ज स्केल में, जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लगा रहता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे वर्कर काम करते हैं और मशीनरीज और टूल्स पे इन्वॉल्व होते हैं. इसी कारण स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कैपिटल इन्वॉल्व इन द नॉट मोर देन 10 लाख इन ए प्लांट और मशीनरी. मतलब वह छोटा होता है, मीडियम साइज़ का होता है, जिसमें 10 लाख से अधिक का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता और वर्कर भी बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री. और इंडस्ट्री के चौथे प्रकार में देखते हैं ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. द इंडस्ट्री आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय देम एज ए गिवन अंडर द फर्स्ट शेड्यूल टू इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 बाय गवर्नमेंट. फॉर द एग्जाम्पल, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल एंड सर्जिकल्स, अप्लाइंसेस, कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेट प्रिपरेशन. और इंडस्ट्री के चौथे प्रकार में हम देखते हैं कि प्रोडक्शन के हिसाब से वो अलग अलग टाइप में डिवाइड रहता है, जैसे कि क्रीम, ऑइंटमेंट, सर्जिकल, कॉस्मेटिक, टॉयलेट प्रिपरेशन. जैसे सर्जिकल्स में जैसे देख सकते हैं हम, जितने भी सर्जिकल्स आइटम हैं, फोर्सेप्स हैं, नीफ हैं और जितने भी बैंडेज वगैरह आते हैं, ये सर्जिकल प्रोडक्ट्स हैं. कॉस्मेटिक्स में क्रीम्स आते हैं, जैसे सनबर्न क्रीम, फेयर एंड लवली, ये सब अलग अलग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फॉर्मेशन हो जाता है. टॉयलेट प्रिपरेशन उसको तो जानते हैं, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल, डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म, जैसे लाइक सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, गैसियस एंड सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे चार प्रकार से देखें, इंडस्ट्री चार प्रकार से होते हैं. एंड ड्रग एंड स्टोर मैनेजमेंट में हम दूसरा टर्म्स पढ़े थे, कॉमर्स. कॉमर्स इज द एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी विच इज़ द कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्रीज. कॉमर्स का मतलब यह होता है कि जो भी हम इंडस्ट्री के थ्रू जो भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, उसको कस्टमर तक या कंज्यूमर तक पहुंचाना. इसके अंतर्गत हम पहला वर्ड देखते हैं कॉमर्स के अंतर्गत. सबसे पहला वर्ड है ट्रेड. ट्रेड मीन्स बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंज ऑफ द गुड और द सर्विस फॉर द मनी और मनी वर्थ. ट्रेड का मतलब वह होता है, यह हम किसी प्रोडक्ट इफेक्ट किसी डोजेस फॉर्म का हम फार्मास्यूटिकल कंपनी में उसको हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या तो उसका हम खरीदारी करेंगे या सेलिंग करेंगे या फिर एक्सचेंज करेंगे गुड्स और सर्विस का, किसके लिए, पैसे के लिए या फिर उससे रिलेटेड पूंजी के लिए. द ट्रेड में बी डिस्क्राइब एज द न्यूक्लियस ऑफ द कॉमर्शियल एक्टिविटी, जो कि न्यूक्लियस ऑफ द कॉमर्स एक्टिविटी का इसको शब्द दिया गया है. डीलर और द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोडक्शन यूनिट टू द कंज्यूमर्स. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन और जो डीलर्स होते हैं वो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंज्यूमर या फिर रिटेलर्स के पास. ट्रेड दो प्रकार का होता है, पहला डोमेस्टिक ट्रेड, दूसरा है इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनल या डोमेस्टिक ट्रेड, इट इज़ ऑल्सो नाउन एज द होम ट्रेड, कंसिस्ट ऑफ द सेल एक्सचेंज ऑफ द गुड विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री. इंटरनल ट्रेड में भी लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड. इंटरनल ट्रेड इज अ फर्दर क्लासिफाइड इन टू द होलसेलर ट्रेड एंड रिटेलर ट्रेड. यहाँ पे हम देखते हैं डोमेस्टिक ट्रेड के बारे में, इंटरनल ट्रेड भी कहा जा सकता है. इसमें हम किसी भी प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग
प्रोडक्ट्स का खरीदारी, फिर उसको सेल करना या फिर एक्सचेंज करना, एक सर्टन दायरे के अंदर हम करते हैं, उसको ही इंटरनल या डोमेस्टिक ट्रेड कहा जाता है। इसमें लोकल ट्रेड हो सकता है, स्टेट जिला ट्रेड हो सकता है, अंतर जिला स्तरीय ट्रेड हो सकता है। फर्दर ये डिवाइडेड है होलसेलर ट्रेड और रिटेलर ट्रेड। होलसेलर ट्रेड बाय द गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटी डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चर एंड सेल देम इन टू द सेलर क्वांटिटी ऑफ द रिटेलर टू हु आर द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर। होलसेलर जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ख़रीदता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कोई भी डोजेस फॉर्म, और उसको रिटेलर तक पहुंचाता है, और रिटेलर जो है आगे चल के उसको लास्ट कंज्यूमर तक पहुँचा।